नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम हरीश रजाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी में जिले का महामंत्री हूँ। हमारा जिला नजफगढ़ लगता है। जी। सर, मैं आपसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव आने वाले उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगी। तो सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी, जैसे फिलहाल में हाल ही में आम आदमी पार्टी की सरकार हमारी दिल्ली में है, तो उसमें विकास हमारी दिल्ली का कुछ हुआ? विकास तो आपने देखा ही होगा, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, खड्डों में रोड है, रोड में खड्डे नहीं हैं। कोई भी काम आपको इस पिछले 10 सालों में नया नज़र नहीं आएगा। एक भी राशन कार्ड इस दिल्ली सरकार ने नहीं बनाया किसी गरीब का, कोई नाम नहीं जुड़ा। यहाँ पर आयुष्मान योजना लागू नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो मोटे बिल उनको नर्सिंग होम के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर देने पड़ते हैं। इतना बुरा हाल है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन कब आए और कब हम इनको उठा के बाहर फेंकें। सर, जैसे कि अभी दिल्ली सरकार जब से हमारी दिल्ली में आई है, तो आम आदमी पार्टी सरकार एक दावा करती है कि हमारे आने से शिक्षा के स्तर पर काफ़ी अच्छा जोर पड़ा है, काफ़ी उच्च स्तर पर शिक्षा हमारे दिल्ली की चली गई है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा होगा जो शिक्षा की बात आपकी आ रही है, बच्चे स्कूलों में कम हो रहे हैं। स्कूलों में बच्चे कम क्यों हो रहे हैं? वहाँ शिक्षा नहीं है, वहाँ कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है, अच्छा टीचर ही नहीं है। भर्तियाँ पिछले 5 साल से नई भर्ती होनी थी, नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं हमारे से फंड ही नहीं है। तो शिक्षा के नाम पर सिर्फ ढंढोरा पीट रहे हैं। आप किसी स्कूल में जाकर देखिए वहाँ पर कितना बुरा हाल है। एक एक क्लास में 60-60 बच्चे बैठते हैं। जाकर देखो सही शिक्षा का हाल क्या है। किसी स्कूल का सर्वे तो करके देखें। सिर्फ इन्होंने एक दो स्कूल सैंपल के लिए मॉडल तैयार किया, वहाँ लाके लोगों को दिखाते हैं, ये देखो हमारा नई दिल्ली का स्कूल, ये देखो। यहाँ उत्तम नगर में आगे स्कूल देखो ना, कितना बुरा हाल है। विकासपुर में जाके पीछे स्कूल देखो, कितने बुरे हाल हैं। नाले साथ हैं, बदबू आ रही है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, बच्चे नाक दबा के निकलते हैं। जाके शिव विहार जय जय कॉलोनी के साथ स्कूल है, जाकर देखें उसका हाल क्या है। विधायक ने कभी वहाँ कर जागा नहीं है, कोई मंत्री वहाँ पर कभी आया नहीं है। तो वैसे ही बिना बात की बातें बनाई जा रही हैं। स्कूल बहुत अच्छा कर दिया, शिक्षा में बहुत अच्छा शिक्षा मॉडल बना दिया। अरे भाई, एक दो स्कूल कोई सैंपल के लिए तैयार अपने शुरू में कर लिए, उसके बाद तो पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार के अंबार लगा रखे हैं इन्होंने तो बच्चों के, हमारे बच्चों के भविष्य को गर्त में डाल दिया। युवाओं को नशे की लत डालने के प्रयास किया इन्होंने। दारू के ठेके जगह जगह खोले, एक के साथ एक फ्री दारू देनी शुरू कर दी। तो ये शिक्षा देंगे? ये बच्चों को, भविष्य को गर्त में डाल रहे हैं। और इस समय बच्चों के पेरेंट्स अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ये केजरीवाल सिर्फ यहाँ पर भ्रम फैलाने आया था, हम लोगों को ठगने आया था, इसका यहाँ पर कोई वास्ता नहीं है। और केजरीवाल इस बार अपना बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से निकल जाएगा। सर, एक बात कही जाती है कि जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, उन्होंने एक बात कही है कि सेंट्रल जो भी सरकारी स्कूल के रिजल्ट रहे हैं वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों के रिजल्ट से ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा बच्चे पास हुए सरकारी स्कूल में। जैसे बोर्ड के रिजल्ट आते हैं तो उसमें सरकारी स्कूल के बच्चे ज़्यादा पास हुए रेदर देन प्राइवेट। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपके पास कोई अथॉरिटी लिस्ट है इसकी? सिर्फ बोलने से थोड़ी हो जाता है। आप देखो ना, सर्च करके देखो कौन से इनके स्कूल का बच्चा IAS बन गया, कौन से इनके स्कूल के बच्चे ने कहीं अच्छी डिग्री लेके इस सरकारी स्कूल का बच्चा आज अच्छे पैकेज के साथ वहाँ चला गया, वहाँ से लोग उसको उठा के ले गए। कौन सा बच्चा है? तो है ना कोई। सिर्फ कहने से थोड़ी होगा। कहने को तो वो कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, अपने आप सर्टिफिकेट उनको दे देते हैं, तो क्या करें उसका। बोलने में जो मर्जी बोलते रहें, जमीन पर तो नजर आए भाई। आप लोग भी घूम रहे हो, आप स्कूल में भी जाओ, स्कूल के पेरेंट्स के बच्चों के पेरेंट्स से भी मिलो, उनसे पूछो ना भाई कौन से स्कूल का बच्चे ने अच्छी शिक्षा लेके अच्छा पैकेज उसका किसी कंपनी में लग गया, किसी अच्छी सरकारी नौकरी में वो बच्चा चला गया। अब हमें तो समझ नहीं आती कहाँ से शिक्षा मॉडल उन्होंने लिया हुआ है। एक बात और सबसे बड़ी आती है, जिस तरह से दिल्ली का हालत चल रही है फिलहाल, उस हिसाब से बात कही जाती है कि जैसे जैसे मोहल्लों में हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए गए, आम आदमी पार्टी द्वारा मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र के मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल? हमारे क्षेत्र में तो कोई मोहल्ला क्लिनिक है नहीं। विधानसभा में जरूर मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ पर गाय घूम रही होती हैं, ताले लगे होते हैं, टूटे हुए दरवाजे हैं, उसके अंदर घुसा नहीं जाता। आप उसकी भी किसी दिन कोई वीडियो बनाकर अपने न्यूज़ चैनल पे चलाना और दिखाना कि किस तरीके से इनके मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं।
सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रम करने के सिवाय कुछ नहीं है। पीछे मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आपने देखा होगा कितने फर्जी टेस्ट हुए। सिर्फ भ्रष्टाचार कैसे कर सकते हैं? मैंने मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खोला अपने किसी कार्यकर्ता के घर पर, उसको किराया कैसे मिल सकता है, उसका घर कैसे भरा जा सकता है? जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमें पर्सनल क्या बेनिफिट होगा, सिर्फ इस बात की सारे बैठ के रणनीति बनाते हैं नीचे से लेके ऊपर तक, चाहे वो केजरीवाल है चाहे आजसी है। सिर्फ और सिर्फ इतनी योजना बनेगी कि हमारे घर में पैसा कैसे आएगा। जिस तरीके से आपने देखा कोरोना के अंदर इन्होंने शराब नीति बनाई और शराब नीति में 2-12% तक कमीशन दी कि 6% हमारे पास कैसे आएगी, इसका नतीजा पूरी पार्टी ने और पूरी सरकार ने भुगता। पूरी की पूरी कैबिनेट इनकी इस मुद्दे के ऊपर जेल में थी। सर एक चीज़ और है कि जनता ही फिलहाल बोलती है कि जब से केजरीवाल जी आए हैं उन्होंने बसेस फ्री कर दी हैं, पानी फ्री कर दिए हैं, लाइट फ्री कर दी है, तो इस बारे में आप क्या कहना है? आज आप किसी भी गली में घुस जाइए, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप गली में जाके महिलाओं का माता बहनों का इंटरव्यू लीजिए कि आपका कितना बिल आता है। कोई कहेगा मेरा 10,000 आता है, कोई कहेगा 15,000 आता है, कोई कहेगा 20,000 आता है। और पानी जो फ्री वाली बात कर रहे हो, इस समय तो पानी के नोटिस लोगों के पास बकायदा आ रहे हैं। मैं चाहूँ तो कल या परसों आपको नोटिस की एक लंबी लिस्ट भी दे सकता हूँ। लोगों को इतने मोटे मोटे बिल आ रहे हैं, मेरा खुद का बिल 95,000 पानी का आया हुआ है। कब माफ़ होगा? मैं बैठा हूँ कि माफ़ हो जाए तो अच्छी बात है। पानी नहीं आता, पानी समर्सिबल का पी रहे हैं हम, आरओ लगा के पी रहे हैं, पानी गंदा आएगा, लेकिन बिल हर 2 महीने के बाद दरवाजे पे आ जाएगा कि बिल भर दो। किस चीज़ का बिल भर दें? पानी तो आ नहीं रहा, ना पानी है ना बिजली फ्री है। बिजली के दाम इन्होंने इतने बढ़ा दिए, पीछे पीपीएसी चार्ज लगा के बढ़ा दिए। आप बिजली का बिल उठाते हो, 200 यूनिट का बिल आपको 2,000 रुपये, 15,000-2,500 रुपये, 3,000 रुपये मिलेगा। 15-20 रुपये यूनिट पड़ता है, क्योंकि उस पर इतने एक्स्ट्रा चार्ज लगा रखे हैं। बिजली के नाम पर इन्होंने बिल्कुल धोखा दिया हुआ है। आज आप नया मीटर लेने जाओ, पता लगे कैसे मिलता है। भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है बीएसएस भ्रष्टाचार का अड्डा है, और इनके एमएलए और ये इनके मंत्री सारे उसमें इन्वॉल्व हैं। सर अगर एक बात करी जाए, जैसे कई कार्यकर्ता है बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं कि हम काम करवाने की कोशिश करते भी है, जैसे कई बार जगहों पे कोशिश करी जाती है, तो वहाँ पे जो अपर सुपीरियर जो भी है एलजी जैसे एलजी हैं वो काम रोक दिया जाता, वो काम उनसे करने नहीं दिया जाता, तो इस बारे में आप क्या? पिछले 10 सालों से यही बात हम सुन रहे हैं। एलजी को केजरीवाल तो अपॉइंट करेगा ही नहीं कभी भी। आज अगर केजरीवाल की पार्टी सत्ता में है तो एलजी तो अपॉइंट नहीं करेगी ना, कल आएगी तब भी नहीं करेगी। जनता इस बात को समझ चुकी है। एलजी के ऊपर ब्लेम गेम करना, इन्होंने एक ये बना रखा है, काम तो कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार करेंगे। कोई भी दिक्कत आएगी कहेंगे एलजी हमें काम करने नहीं दे रहा। भाई एलजी नहीं काम करने दे रहा तो तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है ना। एलजी की जिसके साथ बनेगी वही पार्टी आगे काम करेगी। क्या सभी एलजी से इनकी नहीं बनती थी? पिछले 10 सालों के अंदर 4 LG बदल चुके हैं, सभी के साथ इनकी लड़ाई रहती थी। क्यों? क्योंकि ये भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। LG कहता है नहीं, भ्रष्टाचार नहीं करने दूंगा मैं। सिर्फ यही मुद्दा ना, और तो कोई मुद्दा नहीं है। तो इसलिए ये बिल्कुल गलत बात है कि LG काम नहीं करने देता। LG तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ग्राम उदय के लिए 1,000 करोड़ रुपये की योजना लेकर आए। हमने पहली बार जिंदगी में देखा कि DM रात को गांव के अंदर सो रहा है। हुआ ना, LG की वजह से हुआ। इन्होंने क्या किया बताएं ना, इनका कौन सा मिनिस्टर? पहले तो कहते थे हम झुग्गी में रहते हैं, झुग्गी में सोते हैं, अब क्यों शीश महल की जरूरत पड़ गई? 52 करोड़ का शीश महल बना के उसमें सोना चाहता है, 10-10 लाख के घर में पर्दे लगाना चाहता है। ये सिंपल बन के सिर्फ भ्रम फैला के यहाँ की दिल्ली की जनता को उन्होंने पिछले 13 साल में ठगा है। अब समझ चुकी है जनता, अब ये इनका बोरिया बिस्तरा बन जाएगा आने वाले चुनाव में। ये आपको दिल्ली में नहीं, दिल्ली के बॉर्डर से बाहर पाएंगे। सर जैसे आप दिल्ली में आप जैसे बात करें तो भाजपा की सरकार अगर दिल्ली में बनती है तो इस बार किन किन मुद्दों पर फिलहाल भाजपा काम करने वाली है? देखो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से सरकार चलाती है। जहां पर भी आपने BJP की सरकार देखी होगी, कोई 3 बार से है, कोई 5 बार से है, कोई 6 बार से है। क्यों? काम अच्छा करते हैं, जनता तभी पसंद करती है। अभी हरियाणा में 3री बार सरकार बनी है। पहली बार 1966 से हरियाणा अलग हुआ, राज्य बना,
आज तक कोई दो बार से ज्यादा वहां सरकार नहीं चला पाया, लेकिन तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं, कोई तो कारण होगा। सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी, गरीबों का ख्याल रखना, अच्छी योजना लेकर आना और योजनाओं को जमीन के ऊपर उतारना और उसका लाभ जनता तक पहुंचे, इसकी चिंता हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर बार जीत कर आती है। दिल्ली में अगर एक बार भारतीय जनता पार्टी जीत के आ गई तो आने वाले 20-25 साल तक जाने वाली नहीं है। तो मैं जनता से आह्वान करना चाहता हूं, आप एक बार बीजेपी को यहां मौका दीजिए, यहां से बीजेपी का विकास, पूरी विधानसभा से बीजेपी का विधायक एक बार लाइए, आप कहोगे कि हमारी सारी जितनी समस्याएं थी उनका हल होना शुरू हो गया है और समस्याओं का निराकार भी बहुत जल्द होगा। सर एक चीज़ और है, जैसे कि अब जैसे फिलहाल योगी आदित्यनाथ जी यूपी के सीएम हैं, तो एक बात कही जाती है कि जब से योगी आदित्यनाथ जी आए तब से गुंडा राज वहाँ खत्म हो गया है, तो क्या आप दावा करते हैं कि भाजपा अगर दिल्ली में आती है तो दिल्ली में भी क्राइम रेट कम हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ये लोग इस क्राइम रेट को बढ़ावा देते हैं। इन्होंने जब दिल्ली में आए थे पहली बार, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी इन्होंने, हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लो, भ्रष्टाचार कोई करे, कोई पैसे मांगे तो हमें फ़ोन कर देना, कहाँ गए नंबर वो? अब तो कोई नंबर नज़र नहीं आता। भ्रष्टाचार किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओ, आपको भ्रष्टाचार के अंबार लगे मिलेंगे, कोई भी फाइल बिना पैसे के यहाँ से यहाँ नहीं जाएगी। योगी जी ने यूपी को एक मॉडल बनाकर सुधारा है और उसकी चर्चा यहाँ नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर है। इतना बड़ा स्टेट होने के बाद भी वहाँ क्राइम रेट कम हुआ है और वहाँ पर जितने भी क्रिमिनल लोग हैं थर थर कांपते हैं, तो उसका कारण है कि वहाँ पर अच्छी सरकार चल रही है और योगी जी इस विषय को लेकर बहुत गंभीर हैं कि मैंने अपनी माताओं बहनों को और वहाँ की जनता को सुरक्षा देनी है। और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो 100% लोग सुरक्षित होंगे, यहाँ माता बहनों की अच्छी सुरक्षा मिलेगी। तो इसलिए मैं दोबारा से आह्वान करना चाहता हूँ दिल्ली की जनता से, आप एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए और ये जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो आपको ठगने वाले लोग हैं, आपको बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हैं, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से कमीज बाहर निकाल के रोल्ड का पेन जेब में लगा के हवाई चप्पल पहन के आपके सामने आए, ये आपके दिलों में एक बार जरूर उतरे होंगे, लेकिन अब वो ना उगलते बन रहा है और ना निकलते बन रहा है, ये वाली स्थिति हुई हुई है। तो इस बार ये जाने वाले हैं और बीजेपी आने वाली है। सर जैसे कि जगह जगह पर लेबर चौक बनाए गए हैं, अगर हम वहाँ जाकर लोगों से बात भी करते तो उनका सीधा कहना ये होता है कि हमारे पहली बात तो रोज़गार नहीं है, और रोज़गार है तो इतनी आमदनी मिलती है कि वो एक से दो दिन में ख़त्म हो जाती है। तो इस बार किसी भाजपा जब दिल्ली में आएगी तो उनके लिए कुछ काम किया जाएगा? हाँ ज़रूर, देखो जहाँ जहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बीजेपी की सरकारें चल रही हैं, वहाँ पर युवाओं के रोज़गार के लिए जो ये असंगठित वाला क्षेत्र है, हमारे मजदूर भाई हैं, इनके रोज़गार के लिए भी योजनाएं बनती है। अभी भी प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है उसके माध्यम से आप कोई भी कौशल करके और वहाँ नौकरी देने की भी गारंटी होती है। लेबर चौक पर लेबर जाती है, आम समाज के लोग वहाँ से मजदूर हो मिस्त्री हो उनसे काम करवाने के लिए लेबर को लेकर आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसकी जरूर योजना बनाकर इस योजना को क्रियान्वयन करेगी और हर व्यक्ति के पास अपना रोजगार होना चाहिए, स्वाभिमान बनना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि सभी लोग स्वाभिमानी बने, सभी लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठें, और काफ़ी सारे लोग ऊपर उठे भी हैं उन योजनाओं को लेकर, लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। जब यहाँ पर डबल इंजन की सरकार चलेगी, केंद्र की और यहाँ दिल्ली सरकार की इकट्ठी योजना बनकर सरकार चलेगी, तो आप देखना किस तरीके से यहाँ के लोगों का उद्धार होता है, किस तरीके से यहाँ के लोग गरीबी रेखा से बाहर आते हैं। आज मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं सबको, लेकिन राशन कार्ड नहीं बन रहे। राशन मोदी जी ने देना है, राशन कार्ड दिल्ली सरकार ने बनाने हैं, लेकिन ये राशन कार्ड भी नहीं बना पा रहे। राशन तो नहीं देना ना इनको, राशन तो पूरे देश को मोदी जी दे रहे हैं, तो इनका क्या जा रहा है, क्यों नहीं बना रहे राशन कार्ड? आज बुजुर्गों की पेंशन पिछले 10 साल से नहीं लग रही, एक भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं लगी, बुजुर्गों ने इनका क्या बिगाड़ा है? वैसे कहते हैं सर्वण पुत्र हैं, बुजुर्ग 60 साल के बाद सीनियर सिटीजन जब हो जाता है तो उसको कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से
दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग है उसके माध्यम से जो पेंशन बुढ़ापा पेंशन है वो मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं लगा रही है। हमें तो समझ नहीं आएगी सरकार कैसे चला रहे हैं। तो इनका अब यहाँ पर कोई चारा नहीं है, जनता समझ चुकी है, अब इनका कोई भी मुद्दा चलने वाला नहीं है, कोई भ्रम फैलाकर ये नहीं। जनता एक बार बेवकूफ़ बनती है, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अब वो काठ की हांडी जल चुकी है और उस कोले से लोग इसका इतिहास लिखने वाले हैं। तो जैसे कि अभी फिलहाल आपने पेंशन की बात करी, तो जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो ये दावा करते हैं इस चीज़ का कि अब मतलब पेंशन के फॉर्म भरे जा रहे हैं या कुछ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? पिछले 10 सालों से फार्म भर भर के इन्होंने ढेर लगा लिए। बेचारे बुजुर्ग फार्म भर कर आते हैं, 10-20-50-100 रुपये उस पर खर्च करते हैं और ये रद्दी के टोकरे में डाल देते हैं। पिछले 10 सालों से कोई पेंशन लगी तो नहीं ना, फार्म भर के क्या करेंगे? फार्म भरने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन फार्म भर जा रहे हैं। ये तो सिर्फ लाइन लगाते हैं, देखो बोर्ड लगा दिए, बैनर लगा दिए, बुजुर्गों की पेंशन लगी, फार्म भरे पेंशन तो एक भी नहीं लगी। सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक चारा है, लोगों को ऑफिस में भीड़ लगाए कि MLA के ऑफिस में भीड़ लग जाए, फार्म भरे जाएं। इन्होंने तो अभी लोकसभा के इलेक्शन में 1000-1000 रुपये महिलाओं के फार्म भी भरे थे ना जी। किसको मिली? आपको मिल रही है? मेरा कहने मतलब इन्होंने अभी 1000-1000 रुपये देने के लिए फार्म भरे थे। सिर्फ ऑफिस के अंदर लाइन लगाना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, देखो हम ये आपके लिए करेंगे, लेकिन करना कराना कुछ नहीं है। अब तो इनके पास अपना सिर धोने के लिए भी फंड नहीं है। तो सर, अब जैसे कि जो भी हमारी दिल्ली की जनता है, इससे आप क्या आह्वान करना चाहेंगे कि इस बार भाजपा को ही वोट क्यों देना चाहिए? देखो, मैं जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें। अगर हम अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को चुने। अगर हम चाहते हैं कि हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहें तो भारतीय जनता पार्टी को चुने। अगर हम चाहते हैं कि चहुं और विकास हो और दिल्ली भी उसमें शामिल हो तो भारतीय जनता पार्टी को चुने। अगर हम चाहते हैं कि आयुष्मान कार्ड सभी का यहाँ पर बने और 5 लाख का बीमा का कार्ड सभी लोगों को मिल जाए, जो हॉस्पिटल में व्यक्ति बीमार हो जाता है, हारी बीमारी सब घर में होती है, लेकिन जब हॉस्पिटल का बिल सामने आता है तो डबल बीमार हो जाता है, उसकी जिम्मेवारी मोदी जी लेते हैं, वो कार्ड यहाँ पर बने तो BJP को चुने। अभी मोदी जी ने 70 साल से ऊपर वालों के लिए सभी के लिए 5 लाख का कार्ड बनाया, पूरे देश में लागू हो गया, दिल्ली में लागू नहीं हो रहा। दिल्ली में लागू इसलिए नहीं हो रहा, केजरीवाल कहता कि मैं इसको लागू नहीं करूँगा। 2 राज्यों में बंगाल और दिल्ली में लागू नहीं है, पूरे देश में 5-5 लाख के कार्ड बने हैं और अच्छे हॉस्पिटलों में जाके उनका इलाज होता है तो लोग उससे खुश हैं। तो BJP जनता के हित में काम करती है, जनता के लिए काम करती है, उस व्यक्ति के लिए सोच के काम करती है जो पंक्ति में अंतिम स्थान पर, अंतिम पायदान पर खड़ा होता है, कि उस व्यक्ति का कैसे उधार हो, वो कैसे ऊपर उठ के आए, कैसे वो सबके साथ मिले। BJP ना जात पात पे बात करती है, और सिर्फ बात करती है तो काम के ऊपर बात करती है, कोई सभी लोग एक समान हों और सभी का अच्छा जीवन स्तर हो, इसलिए BJP काम करती है। तो इसलिए जनता इस बार BJP को चुनेगी 100% चुनेगी। नमस्कार, आप देख रहे थे AIR न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा। तो ये थी हरीश हजाई जी की बात कि किस तरह इस बार अगर भाजपा दिल्ली सरकार बनाती है तो किस तरह हमारी जनता के लिए कार्य किए जाएंगे और किस तरह हमारी जनता को बेनिफिट्स, हमारी जनता को मुनाफा होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।